गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर क्विज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास हैं आप लोग स्टूडेंट जल्दी से जो कोड आप लोगों को दिया गया है अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए सो दैट मोर पार्टिसिपेंट हमारे इस मैं क्यूज में जुड़ सके कंपटीशन टफ होगा तो फाइट करने में भी काफी मजा आने वाला है आप लोगों को क्लियर है और एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं क्विज के अंदर अपने रियल नेम से ही ज्वाइन कीजिएगा कोई अदर नेम को यूज न कीजिए अपने रियल नेम से ही ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे साथ में कितने कंपटीटर है और हम उनके बीच कहां पर खड़े हुए हैं आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले भी मैंटी फेस किया है रेजोनेंस का धीरे धीरे करके स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं रियली गुड टू सी दैट जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको एज एन इंट्रोडक्शन में बता देता हूं आज के क्विज में टोटल थर्टी फाइव क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सेवंथ क्लास के करिकुलम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं सारे काफी इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एफिशियंट करेक्ट आंसर देगा और मिनिमम टाइम में करेक्ट आंसर देगा ही विल ही और शी विल बी द विनर क्लियर और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे लिए ये भी है कि एवरी फाइव क्वेश्चन के बाद आपके लिए लीडर बोर्ड शेयर किया जाएगा लीडर बोर्ड में लास्ट क्वेश्चन जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं उनके बिहाफ पर आपका जो भी रिजल्ट है वही आपको स्कोर किया जाने वाला है इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो दैट क्लियर प्रकाश कुमार सिन्हा और भी कोई है आपके फ्रेंड जो ज्वाइन करने वाले हैं इज इज योर रियल नेम आई होप आप लोग सब स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोगों को जो भी एक टाइटल इमेज की फॉर्म में दिया गया है सबका यहाँ पर अवेलेबल है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने रिलेटिव जो भी सेम क्लास में है उनके साथ में शेयर कर रहे हैं कोड क्विज़ का देखिए धीरे धीरे करके स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमें टाइम रखा गया था और टू फोर का ओके okay, रुद्र प्रकाश सिन्हा इज ना इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि प्लीज अपने रियल नेम के साथ में ही ज्वाइन कीजिएगा अ पर्सन इंडिकेटेड बाय अ फिश अ फ्लावर फुटस्टेप अ ट्रक shall we start? student, with your permission. as i can see, many, some of the participants are still joining, one by one, not too, not too quickly. can start? okay. we are having a ice beer with us also. i have joined with my real name in quiz. done? fine. i, you are footsteps. soni mishra, you are footstep. fine. कुछ रिलेट कर पाओगे कुछ रिलेट कर पाओगे जो भी आपको इमेज टाइटल दिए गए हैं आप कैसे उससे रिलेट कर पा रहे हो अगर किसी का फिश है तो आप अपने नाम को या खुद को फिश से कैसे रिलेट कर पा रहे हो या डोनट दिया गया है तो आप डोनट से कैसे रिलेट कर पा रहे हो खुद को नहीं <laughs> और एक चीज ये स्टूडेंट प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ खेलिएगा। काफी मजा आने वाला है हमें क्विज़ के अंदर अच्छा प्रकाश कुमार सुना क्या हम स्टार्ट करें हमारे क्विज को कैन वी स्टार्ट एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू बोर्ड इज क्लियरली विजिबल टू एवरी वन बिकॉज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई देगा आप लोगों को देखना है और विद इन रीजनेबल टाइम करेक्ट आंसर आपको देना है जो टाइम लिमिट है वो और करेक्ट आंसर ही आपके रिजल्ट को इफेक्ट करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करें सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यू आर घोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर नाइन इज फोर ऑप्शन दिए गए हैं 15 सेकेंड है हर क्वेश्चन के लिए बी क्विक टू गिव द आंसर जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 है वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा एंड इट इज अबाउट टू फिनिश टाइम्स अप नाउ इट्स टाइम फॉर द आंसर ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है ऑप्शन बी हमारा सही है 9 एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट फ्लोरीन का और फ्लोरीन जो है हमारा एक हेलोजन गैस होती है बहुत ही बढ़िया सही और शानदार जवाब दिया है काफी स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें इंटरेस्टिंग था कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज थे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आज के किसका आप लोगों के सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस विच इज विदाउट अ मेटल एटम एक ऐसे बेस का एग्जाम्पल आपको बताना है जिसके मॉलिक्यूल के अंदर कोई मेटल एटम अवेलेबल नहीं है टाइम इज मूविंग टू क्विकली इट्स फाइव फोर थ्री टू वन ओके आउट ऑफ नाइन काफी सही स्टूडेंट काफी सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जिसके मॉलिक्यूल में कोई मेटल एटम अवेलेबल नहीं होता थैंक यू सो मच आई रियली अप्रिशिएट एफर्ट यू आर पुटिंग इन योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन फॉर टूडेज क्विज हियर इट इज ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन आज के क्विज का सिल्क मेड बायिंग डेमेज कोकोन इज नोन एज टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम्स ऑफ नाउलेट सी वॉट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे नहीं मजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूज है सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसने करेक्ट जवाब दिया है ऐसा क्यों भाई क्यों कंफ्यूज हो गए आप ठीक है ऑप्शन बी हमारा सही है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोर्थ क्वेश्चन हमारे आज के क्विज का और हमारे फोर्थ क्वेश्चन आज के क्विज का ये रहा आप लोगों के सामने हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर शुगर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम कितने प्रेजेंट होते हैं यस ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर सही है ऑप्शन ए हमारा सही है 45 एटम होते हैं किसी भी मौ... शुगर मॉलिक्यूल के अंदर थैंक यू सो मच एवरी वन सही जवाब दिया आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट मुझे अभी भी रिजल्ट देख करके ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत कन्फ्यूज हैं यही हमें देखना है कि क्यों आप लोग कन्फ्यूज हो स्टूडेंट थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए अपने कंटेंट पर रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स even try to provide more efficient answer within the time next question hamara ye raha fifth question aaj ke quiz ka absorb ascorbic acid is commonly known as कौन से vitamin को ascorbic acid के नाम से भी जाना जाता है या यू कहें ascorbic acid का दूसरा नाम क्या है I'm expecting कि इस बार सब लोग सही आंसर करेंगे ओके, अभी भी है। as <laughs> देखो, अभी तक जो हमारे फाइव क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देख करके लग रहा है कि स्टूडेंट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं रिजल्ट आंसर करने में सो आई होप कि हमें एक लीडर बोर्ड देखना चाहिए सो so देट हमें ये बताएगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट अब तक अवेलेबल है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है इस क्विज के अंदर आर यू रेडी टू नो दैट बढ़े हमारे आज के लीडर बोर्ड की तरफ ये रहा हमारे आज आज की क्लास का आज की का के क्विज फर्स्ट लीडर बोर्ड हु इज टिल नाउ ओके स्टूडेंट नेम्ड एज रुद्र प्रकाश सिन्हा ही इज द फास्टेस्ट वन बट वॉट अबाउट द लास्ट वन इट्स होमर नो ऑप्शन गिवन बाय ब्रूम इज दिस योर रियल नेम कौन सा स्टूडेंट आंसर कर रहा है तो देखो फर्स्ट लीडर बोर्ड से हमेंट जवाब दिए हैं जबकि व्रूम वॉट एवर जो भी हमारे स्टूडेंट है थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं बट स्टिल हमारे पास अभी भी ट्वेंटी क्वेश्चन अवेलेबल हैं आप अपने स्कोर बोर्ड को अप्स एंड डाउन कर सकते हैं बड़े आगे आज के सिक्स क्वेश्चन की तरफ एवरी वन ये रहा हमारे आज के क्विज का सिक्स क्वेश्चनिंग जूट फाइबर फ्रॉम इट्स स्टेम इज नोन एज जूट फाइबर को उसके स्टेम से फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस ऑप्ट किया जाता है वो प्रोसेस कौन सा है मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर देता हूं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा और ये हमारा टाइम फिनिश हो गया है लेट्स सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर सही है ऑप्शन डी करेक्ट है रेटिंग इज द करेक्ट आंसर सिक्स क्वेश्चन के बाद आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि हमें फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है सेवंथ <laughs> क्वेश्चन क्या है आज के क्विज का देखें और ये रहा हमारा सेवंथ क्वेश्चन मॉलिकुलर वेट ऑफ एथेन एथेन का मॉलिकुलर वेट क्या होता है फॉर्मूला आप लोगों के सामने है इट इज सी आई एम एक्सपेक्टिंग इस वक्त अब सब

सही कैलकुलेशन करके जवाब दिया थैंक यू चलो मिलते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एट क्वेश्चन आज के सेशन का आज के मेंटी क्विज का हियर इट इज एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू एसिड रेन किस वजह से होती है वो कौन से सब्सटेंस है जो एसिड रेन का रीजन है प्लीज रीड द ऑप्शन केयरफुली इट इज अ सिंपलेस्ट वन क्वेश्चन ओके okay, सबने जवाब दिया यस yes, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का आंसर सही है ऑप्शन नंबर नाइन सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द ऑफ एसिड रेन मतलब लग रहा है कि रिलेटेबल है काफी इंटरेस्टिंग है मजा आ रहा है आंसर करने में ठीक है मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मेंडी का नाइन्थ क्वेश्चन आज का ये रहा आई होप यू विल गिव द करेक्ट आंसर इट इज द क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग फाइबर अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी इज फाइबर को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने का प्रोसेस जो उसे क्या कहा जाता है क्विकली एवरी वन हैज वोटेड हाउस वाई आर बींग सो कन्फ्यूज थोड़ा सा ऑप्शन ने आपको कन्फ्यूज कर दिया शायद ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इट इज नोन एज ग्रेडिंग फाइबर को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करने का प्रोसेस ग्रेडिंग के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी हमारा सही है नो नीड टू गेट वेड अबाउट स्टूडेंट डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है अभी भी हमारे पास टाइम बाकी है लेट सी हमारी आज की क्विज़ का टेंथ क्वेश्चन क्या है और ये रहा हमारा टेंथ क्वेश्चन ट इज ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड अनदर एलिमेंट इज मोनोवेलेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव फॉर्मुला क्या बनेगा दोनों को मिलाने से टाइम इज अबाउट टू फिनिश एंड टाइम्स अपर इट इज द रिजल्ट वॉट इज द करेक्ट आंसर यस ए बी थ्री इट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सबस्टेंस फोर्म्ड बाय ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मोनोवेलेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी आंसर गलत है स्टूडेंट नो नीड टू गेट वरी अबाउट हमारे पास अभी भी काफी सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं ये बताने के लिए कि आपका स्कोर अप डाउन कैसे जा रहा है बट जैसा कि हमारे टेन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं नाउ इट्स टाइम फॉर एन अनदर लीडर बोर्ड देखते हैं आप में से कौन स्टूडेंट अब लीड कर रहा है और लैग कर रहा है और किसकी पोजीशन चेंज हुई है आई होप आप लोग ये बात जानना चाहते हो लेट सी हियर इज द लीडर बोर्ड फॉर टूडे स्टिल द पर्सन हु इज लीडिंग इट्स रुद्र प्रकाश सिन्हा बट एज यू कैन सी लवी और अनंता की पोजिशन जो है वो थोड़ी रिशफल हुई है बट टिल आई नो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ रुद्र और आराध्या दोनों की पोजिशन सेम बनी हुई है ठीक है थोड़ी सी कांटे की टक्कर है नंबर में भी बहुत माइन्यूट साइड फर्क हमें देख हम देख पा रहे हैं खैर कोई बात नहीं अभी भी फिफ्टीन क्वेश्चन हमारे बाकी हैं इस क्विज के चलिए क्वेश्चन फॉर मेंटी क्विज हियर इट इज हियर इट इज दिस इज द इलेवंथ क्वेश्चन फॉर यू द एसिड यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड आर्टिकल्स फूड आर्टिकल को प्रिजर्व करने के लिए कौन से एसिड को यूज किया जाता है आपको जवाब देना है एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है ये फूड आर्टिकल को प्रिजर्व करने के काम में आता है चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्वेल्थ क्वेश्चन आज के क्विज का और ये रहा हमारे सामने बॉइयलिंग ऑफ कोकोन टू ऑप्टेन सिल्क फाइबर इज नोन एज सिल्क फाइबर को ऑप्टेन करने के लिए कोकोन को बॉइल करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है थ्री टू वन टाइम्स अप नाउ लेट सी क्या रिजल्ट है यस ऑप्शन नंबर सी रिलिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस बॉइल्ड कोकोन से सिल्क फेब्रिक को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो रिलिंग कहलाता है काफी सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है रियली अप्रिशिएबल लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्टीन क्वेश्चन आज के क्विज का ये रहा थर्टीन क्वेश्चन हमारे सामने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंटेड इन क्लोरिन एटम इन सीक्वेंस आर क्या है ये बताना है आपको थ्री टू वन टाइम्स ऑफ <laughs> बराबर बराबर मार्क्स मिले हैं ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस को आउट ऑफ टेन टू स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी सॉरी सेवनटीन सेवनटीन इज द करेक्ट सीक्वेंस हम क्लोरीन थर्टी फाइव की बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोर्टीन क्वेश्चन आपके क्विज का ये रहा आपके सामने द इंडिकेटर दैट चेंजेस बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन चेंज हो जाता है यह आपको जवाब देना है ऑप्शन आपके सामने हैं थ्री टू वन टाइम्स आप देखते हैं क्या करेक्ट जवाब है हमारा ओ काफी स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है क्लियर चलो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट लेट सी हमारे पास और भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन आज के क्विज़ का ये रहा। प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंगाइबर फाइबर टू स्ट्रेट कंटिन्यूस फॉर्म इज नोन एज वुलन फाइबर को स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस बनाने के लिए कौन से प्रोसेस को यूज किया जाता है थ्री टू वन टाइम्स हियर इज द आंसर अभी भी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में वाई इट इज नोन एज कार्डिंग आप लोगों को पता है मेटल कॉम यूज करके फाइबर को स्ट्रेट फा, और कंटिन्यूस बनाने का मेथड किया जाता है इट इज कार्डिंग वाई कंफ्यूज हो रहे हो आप वाई वी आर बीइंग सो कंफ्यूज ये रहा हमारा थर्ड डीडर बोर्ड आज के किसका देखते हैं हु इज द फास्टेस्ट वन एंड हु इज द स्लोएस्ट वन डन एज यू कैन सी अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अप डाउन हुआ है लेकिन अगर हम फास्टेस्ट की बात करें तो अब हमारे पास प्रकाश सिन्हा फास्टेस्ट नहीं है अब हमारे फास्टेस्ट पार्टिसिपेंट है अर्थमैन आई एम श्योर ये इनका रियल नेम नहीं है मैंने कहा था आपको लॉग इन करना है अपने रियल नेम के साथ में क्या हो रहा है ये स्टूडेंट्स अर्थमैन अपना खुद को रीनेम कर लीजिए सो दैट हमें पता चले कि हम किस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं बट डाउन sure, हो हो जा रहा है कुछ का तो consistent बना हुआ है 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 जैसे हमारा third तक भी। But जिनका and down जा रहा आई थिंक रियल में आपको मजा आ रहा होगा हाँ या नहीं मैं एक बार मैसेज के थ्रू आपसे समझना जानना चाहूंगा कि क्या सच में आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो रहे हो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो क्लियर बढ़े आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यस और नो जस्ट एट वंस बढ़े आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज का सिक्सटींथ क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो सिक्सटींथ क्वेश्चन है हमारा आज का और क्या है हमारा क्वेश्चन वो देखिएगा आप लोग द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ऑफ फ्लोरिन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा ये आप लोगों को बताना है इसमें तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सही जवाब देंगे टाइम हमारा खत्म हो चुका है देखते हैं सही जवाब क्या है सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टू कॉमा सेवन इज द करेक्ट आंसर एंड डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है आउट ऑफ टेन ओनली थ्री स्टूडेंट्स का जवाब सही है चलिए यही चीजें हैं जो आपका रिजल्ट जो स्कोर लीडर बोर्ड अपडाउन करने वाली हैं। बढ़े सेवनटींथ क्वेश्चन की तरफ आज के क्विज के सेवनटींथ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ये रहा हमारा सेवनटींथ क्वेश्चन द एसिड फाउंड इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन आर बॉडी हमारी बॉडी के हर सेल में कौन सा एसिड पाया जाता है सबने वोट कर दिया इतनी जल्दी <laughs> चलिए हाँ बट अच्छी बात है काफी सारे स्टूडेंट का जवाब सही है टेन में से सिक्स स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी डी न्यूक्लिक एसिड इट इज द करेक्ट आंसर चलिए आज की क्विज़ का एटीन क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा लेट्स क्या है क्वेश्चन और कौन कौन जवाब दे पाएगा द ड्राइड परस्पिरेशन ऑफ द शीप इज नोन एज शीप भेड़ो की हेयर पे जो ड्राई पसीना होता है सूखा पसीना लगाता तो है उसको उसको क्या बोला जाता है थ्री टू वन काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया था सही टाइम पर दिया था बट अभी भी कुछ कंफ्यूजन है इट इज नोन एज सुइंट सुइंट इज नोन एज द ड्राइड परसपिरेशन ऑन द हेयर ऑफ शीप कितनी देखे बराबर बराबर है फोर स्टूडेंट ने बी फोर स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है बट ए ऑप्शन हमारा सही है बी ऑप्शन सही नहीं है क्लियर स्टूडेंट जो आंसर आप लोग दे रहे हैं एक बार आफ्टर द क्विज अपने आंसर को चेक कीजिएगा जो सर ने पूछा था हमने कहाँ पर क्या गलती की है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आज के क्विज का नाइनटीन क्वेश्चन जो है वो हमारा ये रहा लेट्स क्या है क्वेश्चन द सिमिलरिटी बिटवीन आयंस एंड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट क्या है किसी भी एटम के आयन और एलिमेंट एटम के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है ये आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने हैं टाइम्स खत्म ओके कम स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है ठीक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही सिमिलर बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है आज के 20th के क्विज़ का क्वेश्चन आप लोगों सामने ये रहा। बी स्ट्रिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलामाइन यूज किया जाता है कैलामाइन सॉल्यूशन क्या है ये आपको बताना है सो टाइम्स इज ओप हतम, देखते हैं क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जिंक कार्बोनेट इज द कॉमन नेम इज द केमिकल फॉर्मुला ऑफ द कैलामाइन और जिंक कार्बोनेट ही यूज किया जाता है के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लियर बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के क्विज का देखते हैं चलिए उससे पहले लीडर बोर्ड और लीडर बोर्ड में लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे काफी सारे स्टूडेंट सफल होने वाले हैं शायद हाँ हुआ तो है शफलिंग तो हुई है <laughs> क्या हो गया आध्या? आपकी आराध्या आपकी पोजीशन हमारी थोड़ी डाउन हो गई अनामिका थोड़ा सा शिफ्ट कर गई है, बट अगेन जो इनिशियल टू लीडर बोर्ड का रिजल्ट था वही फोर्थ लीडर बोर्ड पर है रुद्र प्रताप सिंह इज द रुद्रप्रकाश सिन्हा इज द फास्टेस्ट वन प्लस उनका वो वाइज भी लीड कर रहे हैं अर्थमैन आपने अपना नाम चेंज नहीं किया अभी तक अगर अगले लीडर बोर्ड में आपका नाम टॉप पर आ जाए तो क्या मैं आपको अर्थवॉर्म के नाम से ही कहूं बुलाऊंगा वॉट अबाउट यू अनिरुद्ध यादव प्राइज टू प्राइज टू सेकेंड प्लेयर शी आपने फुट स्टेप अपना नाम चेंज कर लिया गिव प्राइज टू द सेकेंड प्लेयर पहले वालों क्यों न Reason मैं second वाले को क्यों ना दे रीजन बताओ मैं सेकेंड वाले को प्राइज क्यों दू फर्स्ट वाले को क्यों ना दू चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्विज का और वो ये रहा आपके सामने ऑक्साइड जेड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर जेड विल बी टाइम इज अबाउट टू फिनिश टाइम्स अप नाउ सी हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी एन ए टू ओ इज द करेक्ट आंसर क्लियर आउट ऑफ टेन ओनली थ्री स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है ये ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अभी तक अभी हमारे पास में सिर्फ फोर क्वेश्चन और बाकी हैं आज के क्विज के आपके रिजल्ट को अप डाउन करने के ठीक है अगर रिजल्ट सुधारना है अभी भी चांस है हमारे पास बढ़े आगे नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन आज के क्विज़ का द केमिकल यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग के तौर पर किस केमिकल को यूज किया जाता है टाइम इज अबाउट टू फिनिश एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है इट इज योर करेक्ट आंसर क्लियर चलिए ये था ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन आज के क्विज़ का ये रहा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का ये है सवाल द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीटमेंट विथ क्लोरिन पाउडर इज कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो क्लोरीन के साथ ट्रीट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है थ्री टू वन एंड टाइम्स किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है जीरो आंसर जीरो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है ये स्टूडेंट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से ट्रीट करवा के ही क्लोरीन को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया हाउ डिसअपॉइंटिंग इज दिस आपको लगता है इस ऐसे आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अप डाउन हो पाएगा <laughs> चलिए कोई बात नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है आज के सेशन का ये और ये रहा सिल्क थ्रेड वूवन बाय सिल्क वर्म अराउंड इट्स लार्वा इज मेड अप ऑफ टाइम खत्म मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इट इज प्रोटीन इस रिजल्ट को देख के लग रहा है कि हाँ आप लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है बट स्टूडेंट क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है और वो आपके रिजल्ट को अप डाउन कर सकता है आपको फर्स्ट पोजिशन पर ला सकता है ऐसा आपको लग रहा है चलिए ट्राई करके देखते हैं हमारे आज के क्विज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है ट्वेंटी क्वेश्चन है द मिनरल एसिड अमंग द फॉलोइंग इज इनमें से मिनरल एसिड कौन सा है फाइव फोर थ्री टू वन टाइम्स ऑफ ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी मिनरल एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउट ऑफ द फोर ऑप्शन एक मिनरल एसिड का एग्जाम्पल था बाकी सारे इनऑर्गैनिकारे ऑर्गेनिक सारे एसिड ही हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन आज के के मेंटी कंप्लीट हो जाते हैं आई होप आप लोगों को पार्टिसिपेट करके मजा आया होगा हाया, आया या नहीं मैसेज से बता दीजिए एक बार आया है नहीं आया है मजा तो क्या आप लोगों को लगता है कि लीडर बोर्ड दिखा दिया जाए हु इज द फास्टेस्ट वन एंड हु इज द लैगिंग uh, वन बड़े तो ये रहा हमारे आज के क्विज का फाइनल रिजल्ट लीडर बोर्ड ये है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रुद्रप्रकाश सिन्हा इज द विनर ऑफ टूडे क्विज टोटल पॉइंट्स जो इन्होंने ग्रैप किए हैं दे आर फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी काफी really काफी सारे सही जवाब दिए हैं, काफी actively participate किया है, next time से अपने ज़्यादा से ज्यादा को कीजिए, रिलेटिव जो सेवंथ क्लास में है उन्हें शेयर कीजिए फाइनली प्रकाश सिन्हा हमारे विनर रुद्र प्रकाश जब भी आप रेजोनेंस आए आप मुझसे या फिर अ यस सर जो है उनसे कांटेक्ट करके अपना प्राइस ग्रैब कर सकते हैं स्टूडेंट क्या आज के क्विज को यहीं पर एंड करें क्या आज के क्विज को यहीं पर एंड करें मिले नेक्स्ट क्विज में ठीक है चलो गुड लक एवरीवन फॉर योर स्टडीज विद योर स्टडीज एंड प्लीज ट्राई टू फोकस एज मैक्स एज पॉसिबल थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में